सिकंदर, पेशावर जलमी की अभी जब बात कर रहे थे, अभी जो उनका मैच खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, वो आज उनका थिंक टैंक या कल उनका थिंक टैंक जरूर सोचेगा वेयर डिड वी गो रॉन्ग। आई मीन उनको जबरदस्त स्टार्ट मिला साइम अयूब और बाबर आजम से, सो आपको क्या लगता है कि दे हैड अ गुड स्टार्ट वाइल चेजिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेज थी, बट उन्होंने मिडिल के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया, मिडिल ऑर्डर के लिए देयर वाज टू मच बर्डन ऑन देम। बाबर 15 ओवर खेले, बाबर जो हैं इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर बैट्समैनों में शुमार, उनके पांच जो बड़े बैट्समैन हैं उनमें शुमार होता है। उन्होंने अपने उनको ये एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, इसमें अपनी झलक दिखानी चाहिए। मेरे ख्याल से उन्हें और थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैच जिताएँ, ताकि उनके नाम के सामने, मैं तो यही कहूँगा कि जी आप 15 ओवर खेले मैच नहीं जिता सकते, उस पर लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, मगर ये तो हकीकत है ना, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की आउट ऑफ, मतलब है कि कोई उठा के ब्लू कोई बात कर दियो, नहीं, सिंपल बात, 15 ओवर आप खेले मगर आप जिता नहीं सके टीम को, आपको जिताना चाहिए, ये एक बड़े खिलाड़ी का वो होता है। एक तो उनको मैं ये कहूँगा, साइम भी एग्रेसिव हैं, उनके एग्रेशन की वजह से बाबर को मौका मिल जाता है खेलने का। हारिस का मुझे नहीं पता कि आसिफ अली, मैं ये हमेशा मेरा पहले भी सवाल था आसिफ 3-4 साल से, क्या आसिफ अली को सिर्फ छक्के मारने के लिए रखा है? अगर उनको छक्के मारने के लिए रखा है तो पावल हुआ, आई डोंट नो, ये मोजले हुए, कैडमोर, उनको उससे पहले भेज देते जब 15 ओवर हो ही चुके थे। अब 15 ओवर के बाद आप फिर भी आसिफ अली को ना भेजें कि वह जाके छक्के मारे, इसलिए कि वो तो ना बॉलिंग करते हैं ना, ठीक है, तो फिर वो क्या है उनकी यूटिलिटी, मुझे नहीं पता। तो ये फैसला पेशावर को करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है रजा, कौन से फैसले करने पड़ेंगे? आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस तो थी कल, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, बट देन इट ऑल वेंट डाउनहिल। देखिए, मेरे भी एज ए क्रिकेटर यही बात है कि आसिफ को आपने बहुत नीचे रखा हुआ है और आपने जो मिस प्लानिंग की आपसे हुई है, यही हुई है कि जब इनकी पहली विकेट गिरी है सैमयूब और बाबर के बाद, तो उसको फौरन मोहम्मद आसिफ को भेजना चाहिए था, क्योंकि तो कंडीशन जो है ना वो बड़ी सूट कर रही थी वहां पे। अगर मोहम्मद ये आसिफ अली 2-3 छक्के भी मार देते तो ये मैच के हाथ में था, इस तरह का मैच जिसका स्टार्ट लिया था। बाबर आजम सैम की बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही, इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, मैं समझता हूँ काफी सालों के बाद नजर आया कि जिस इंटेंट से खेल रहे थे लग रहा था कि ये मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये भी क्रिकेट का हिस्सा है, जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। मैं समझता हूँ आसिफ अली अगर ऊपर आते और बड़ा अच्छा होता इनके पास, पर इन्होंने रिलाई किया फॉरन प्लेयर पर, तो वो इनके लिए मिस्टेक थी, क्योंकि वो जो जिस तरह की शॉटें वो खेल रहे थे यहाँ पे वो शॉटें नहीं लगती, जहाँ पे तेज पिच हो, जहाँ पे ग्रास हो पिच पे, वहाँ पे इस तरह की स्वीप शॉटें या रिवर्स स्वीप शॉटें लग जाती हैं। यहाँ पे जो सीधा खेलता है, जो मिडल करता है, वो कामयाब होता है। ठीक है, ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ क्विक ब्रेक ले लेते हैं, बट ब्रेक में जाने से पहले देयर इज वन क्वेश्चन हम सब अपने आले से बात में आके पूछेंगे। इट्स टू अर्ली इन द टूर्नामेंट, बट आपको लगता है कि बोलर्स दे नीड टू स्टेप इट अप, क्या हम लोग बॉलिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे? विल फाइंड आउट, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। विल टेक अ शॉर्ट ब्रीदर, स्टे विद अस। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल। लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज होंगे हेड टू हेड, जो अब टाइम आ गया फॉर प्रेडिक्शन। सो या व्हाट डू यू फील, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑफ कोर्स ऑन टॉप पर होगा बिकॉज वो लास्ट मैच जीत गए थे, बट आज आपको क्या लगता है? नफसियाती बढ़तरी तो डेफिनेटली फातमा हासिल होगी, लेकिन देखना ये होगा कि पहले 3 मैचों में जो भी कप्तान टॉस जीता है उसने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया है, तो आज मैच नंबर 4 में टॉस जीतने वाला कप्तान क्या करता है। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछती हैं तो कलंदर को जीतना बहुत ज़रूरी है टूर्नामेंट में रहने के लिए, टूर्नामेंट में अपने जो मसल्स हैं उनको शो करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कलंदर आज फेवरेट है। सो सिको, टॉस विल ऑफ कोर्स बी इंपॉर्टेंट, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। हां, वो तो होगा, मगर ये कि मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप से पहले मैंने इतनी तारीफें की पाकिस्तान के बॉलिंग की कि हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं, वो फेल हो गए उधर। अब कलंदर की तारीफ की कि उनके पास सबसे अच्छे बॉलर हैं, वो बेचारे वहाँ फेल हो गए, इससे मैं कुछ इट्स अ साइन सिको, आप तारीफ, मतलब मैं तारीफ नहीं, मैं अब बुराई करूंगा। ठीक है, एक्चुअली हमने बहुत आमिर जमाल की भी इस बात करनी थी, आप लोग सबसे बड़े ऑफ कोर्स अभी टाइम नहीं है, वो T20 का बॉलर वो, जहां बिल्कुल रजाक, अब आपकी प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच। आज क्वेटा के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि क्वेटा का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है और जो रिक्वायरमेंट है सिचुएशन के मुताबिक खेल रहे हैं, और रोसो के आने से मैं समझता हूं उनका बड़ा अच्छा एक मिडफील्डर स्ट्रांग होगा।